नंदू का कॉल आया था, डॉक्टर शिव मिले? ढूंढ परी शक्ति, मिल जाएंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे ना, यही कहीं होंगे, आसपास ही होंगे, ऐसे कहीं पे कैसे चले जाएंगे ना। डॉक्टर शिव हमेशा हमारी नजरों के सामने रहते हैं, अगर उन्हें कहीं बाहर भी जाना होता है ना तो वो हमें बताते हैं। वो गायब हुए या किसी ने उन्हें गायब करवाया है, और ये किसने किया ना ये हमें अच्छे से पता है। मुझे तो रोड क्रॉस करना है, पर ये सारी गाड़ियां इतनी शुशु करके जा रही है, अब मैं क्या करूं, वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, माँ कहती है कि कोई भी काम पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है, और शक्ति का गिफ्ट भी तो लेना है ना, तो शक्ति का गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी तो हिम्मत मुझे दिखानी पड़ेगी। परफेक्ट, अब उड़ा दो शिव को, ऐसे उड़ाओ कि वो सीधे आसमान में जाए और ठप करके वहीं गिर के मर जाए तड़प तड़प के। डॉक्टर शिव कहाँ है? शिव कहाँ है मतलब मुझे नहीं पता शिव कहाँ है। नाटक बंद करिए, हम जानते हैं कि आपको पता है कि डॉक्टर शिव कहाँ है, ये सब आप ही की करतूत है ना, ये आपका दिमाग दिमाग ने षड्यंत्रों का पिटारा है, और ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, मैं पता है इन सब के बाद अब चुप नहीं बैठेंगी, अच्छे से जानती हैं आप कि डॉक्टर शिव कहाँ है, बताइए। मैं खुद अपने बेटे के गम में पागल हो रही हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो पागल कहाँ है? सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि शिव कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती तुम्हारे साथ, बस करो शक्ति, बस करो, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, हार गई मैं तुमसे, हार गई, अब मुझे तुमसे तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। प्लीज देखो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे सच में नहीं पता शिव का, मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी, तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी, पर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। गिरगिट से इंसान कब बनेंगी आप, कितने रंग बदलेंगी? देखिए हमारे पास ना आपकी इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं है, डॉक्टर शिव नहीं मिल रहे, और हम ये भी बात जानते हैं कि वो हमें बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाएंगे, इसलिए साफ साफ बताइए कि डॉक्टर शिव कहाँ है, नहीं तो। नहीं तो क्या शक्ति, मारोगी मुझे या मार डालोगी, अगर जान से भी मार डालोगी ना तो भी मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं पता शिव कहाँ है। मैं मानती हूँ मैंने गलतियाँ की, और मेरे बेटे ने भी बहुत सारी गलतियाँ की, और उसकी सजा वो भुगतता है, और यहाँ मैं भुगत रही हूँ, फिर भी उसे टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी, क्यों किया उसे टॉर्चर? हमने क्या किया?
उसने तो किया ना, रिंजन ने जो किया वो तुम्ही ने तो कराया होगा। पूछिए इससे कि ये कहां से आ रही। मैं बताती हूं कहां से आ रही। ये जेल से आ रही है। ये वहां गई थी मेरे बेटे को टॉर्चर करने के लिए। ये वहां उसे मिर्ची वाला खाना खिलाने गई थी। उसने वहां मिर्ची वाला खाना खिलाया, उसे ठूस ठूस के जोर जबरदस्ती। मेरा बेटा ऑलरेडी वहां पे सजा भुगत रहा है। ऐसा टॉर्चर करना जरूरी था? क्या मतलब है इसका? अब बताइए माँ, बेचारा ऑलरेडी जेल में है, सजा काट रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रह रहा है, दिन रात रो रहा है, ऊपर से उसे घर का खाना भी नसीब हुआ तो वो मिर्ची वाला। अब अगर हमें मारना ही है ना तो मार दो ना, एक बार में गोली मार दो, मार दो, ऐसे तड़पा तड़पा के मारने की क्या जरूरत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शक्ति, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को टॉर्चर करना बंद कर दो, बंद कर दो प्लीज। मुझे सच में नहीं पता शिव कहाँ है, बख्श दो हमें। माँ आप बताइए, माँ माना शिव आपका पोता है, इस घर का चिराग है, पर कीर्तन आपका पोता नहीं है, वो इस परिवार का घर का चिराग नहीं है। इस लड़की को वहां जाके उसे टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? कमल भी नहीं है इस वक्त शहर में, मैं सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करूं? शक्ति मुझसे नफरत करती हो ठीक है, पर कम से कम मेरे बेटे को तो बख्श दो, बख्श दो मेरे बेटे को। इंसान को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि फिर वो भरोसा करना ही छोड़ दे, और हमें आप पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि आपको पता है कि डॉक्टर शिव कहाँ है, इसने साफ साफ बताइए, नहीं तो क्या शक्ति।